नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार में। दिलू भाई, जैसा कि पता है आप सब लोगों को कि ग्रुप डी की परीक्षाएं धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो चुकी। क्योंकि मैं नाम ग्रुप डी का इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे इस परिवार में ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो अभी रिसेंटली ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक और एग्जाम से रूबरू कराना चाहता हूँ, और थोड़ा सा मैं लेट आया, और लेट इसलिए आया क्योंकि मुझे पूरी डिटेल पूरी एनालिसिस के साथ आना था, और प्रॉपर जो हम लोगों को टीम बनानी थी ताकि मैं इस एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें आपको दे सकूं, है ना। तो अभी 20,000 जो वैकेंसी आई है, वो भी 20,000 प्लस जो वैकेंसी आई है, वो वैकेंसी है आपके एसएससी सीजीएल 2020। तो एसएससी सीजीएल 2020 में सबको पता है कि 20,000 प्लस वैकेंसी है। अगर मैं आपके इसके क्वालिफिकेशन की बात करूँ कि भैया इसका क्वालिफिकेशन क्या है, तो कह देना इसका जो क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन में आपका किसी भी तरह का कोई भी अगर ग्रेजुएशन है, बीएससी है, बीए है, बीटेक है, कैसा भी ग्रेजुएशन है, आप इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल हो। ओके, तो अब ये 20,000 जो वैकेंसी है इस पे आपको 8 सीट चाहिए। तो ये सीट कैसे लेनी है, इसका सिलेबस क्या है और किस तरह से हमें तैयारी करनी है, मैं सारी की सारी बातें करता हूँ। फिलहाल हम लोग पहले वाले पॉइंट पे आते हैं कि ये जो वैकेंसी, इसमें एज क्या है। तो जो भी बच्चे जिनका बीएससी या किसी भी तरह का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका हो, हरा, तो अगर उनकी एज 18 से लेके 27, देखो बहुत सारी पोस्टें हैं, अलग अलग तरह की पोस्टें हैं, तो बहुत सारी पोस्टों में उनकी एज 18 से, जनरल की एज 18 से 27 है, कुछ पोस्टों में 18 से 30 है और कुछ पोस्टों में 18 से 32 है। मतलब आप कह सकते हो कि आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 18 से ऊपर होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज है वो ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हो 27 या फिर 32 या फिर हमारा 30। ये अलग अलग पोस्ट वाइज डिवाइड है, वो आपको जैसे ही नोटिफिकेशन कंप्लीट पढ़ोगे पता चल जाएगा। लेकिन इसमें ओबीसी का जो रिलैक्सेशन है वो 3 वर्ष का है, मतलब आप इसमें मैक्सिमम एज को 3 वर्ष जोड़ लीजिए, है ना। एससी और एसटी का जो रिलैक्सेशन है वो 5 वर्ष का है, आप मैक्सिमम एज को 5 वर्ष के साथ जोड़ लीजिए। तो 5 साल के वो सारे बच्चे जो इस क्राइटेरिया को फिल करते हैं, तो वो लोग इस फॉर्म को जरूर डाल इसलिए दे क्योंकि हम लोग इस फॉर्म की भी बहुत अच्छे से तैयारी कराने वाले हैं, अभी मैं बताता हूँ उसके आगे की रहानी भी। उसके अलावा अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट की बात करता हूँ कि बताइए कब से ये फॉर्म फिल होने शुरू हुए, तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा वो स्टार्टेड डेट 17 सितंबर, यानी 17 सितंबर से हमारे ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 17 सितंबर। ओके, तो 17 सितंबर से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अगर बात करें एप्लीकेशन एंड डेट क्या है, तो आपको बताना है 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर इसकी एप्लीकेशन एंड डेट है 8 अक्टूबर। ओके, उसके बाद अगर करेक्शन फॉर्म आता है, मतलब कई बार क्या होता है कि फोटो और इमेज अपलोड होने में गलतियां हो जाती है, तो करेक्शन फॉर्म की जो डेट होगी वो 12 अक्टूबर के आसपास है। और अगर प्री एग्जाम की बात करते हैं कि भैया इसका दो पेपरों में, दो कह सकते हो कि सेक्शन में इसका पेपर होगा, एक प्री होगा एक मेन्स होगा, तो प्री एग्जाम की जो डेट है बच्चा वो दिसंबर जो है 2022। तो अगर मैं मोटा मोटा देखूं तो लगभग आपके पास 3 मंथ का समय है। अगर मैं देखा जाए कि प्री के लिए कितना महीने का समय है, तो 3 महीने का समय है, आप 3 महीने में बड़े आराम से इसका सिलेबस प्री के अनुसार खत्म कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, और ये क्यों जरूरी है जानना। प्री एग्जाम की अगर बात करते हैं तो प्री एग्जाम का जो सिलेबस है उसमें आपको जीटी जीएस रीजनिंग मैथ और इंग्लिश ये सब मिलेंगे। हालांकि इनके क्वेश्चन की जो संख्या हो रही वो 25 25 25 25, टोटल जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे, और 100 क्वेश्चन जो आपको करने होंगे बच्चा वो आपको करने होंगे 60 मिनट में 60 मिनट में। ओके, हालांकि इनके जो नंबर है वो दो हैं, मतलब डबल डबल का है, तो टोटल हमारे 25 क्वेश्चन 50 नंबर 25 क्वेश्चन 50 25 क्वेश्चन 50, टोटल आपका जो पेपर होगा वो 200 नंबरों का होगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि 200 नंबर का हो रहा है तो क्या इसमें माइनस मार्किंग भी है, और ये माइनस मार्किंग कितने की है मैं आपको बताता हूँ। तो प्री में जो माइनस मार्किंग है बच्चा वो है 1/4 की। 1/4 का मतलब ये है कि अगर 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो आप इसका 1/4 कर दीजिए, तो जैसे ही 1/4 करेंगे तो 0.5 ये कह सकते हो कि माइनस मार्किंग होगी, गलत अगर आपने क्वेश्चन किया तो, है ना। प्री का 200 नंबर का पेपर होगा, और प्री के 200 नंबर का पेपर ये क्वालिफाइंड है, क्वालिफाइंड अब ये डिपेंड करेगा कि क्वालिफाइंड होने के बाद भी इसमें कट ऑफ बनेगा, लेकिन मिनिमम आपको एक नंबर लेके आना है। और अगर मैं बात करता हूँ कि मिनिमम क्वालिफाइंड कितना है, तो जनरल के लिए ये 30% है, जबकि ओबीसी के लिए ये कह सकते हो कि 25% है,
फिर एससी एसटी के लिए आपको जो मिनिमम क्वालिफाइंड है वो है आपका 20%। ले मेरे भाई, आपको इसके बारे में सोचना ही नहीं है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि इसमें भी आपका एक अच्छा स्कोर होना चाहिए, ताकि अगर प्री में कट ऑफ बने तो आप ऊपरी रहें, है ना। हालांकि आप लास्ट नंबर पे भी रहते हो तो वो एक मैटर नहीं है, वो आप आगे मेंस के लिए क्वालिफाई है, और प्री के नंबर भी नहीं जुड़ेंगे, प्री के नंबर भी नहीं जुड़ेंगे। तो इन 200 नंबरों को आपको कवर कैसे करना है, अगर मैं एक मोटा मोटा आइडिया दूं, देखो रीजनिंग अभी आप सब लोग पढ़ ही रहे हो, जीटी जीएस आप सब लोग पढ़ ही रहे हो, है ना, और मैथ भी आप सब लोग पढ़ रहे हो। तो मैं एक आपके लिए प्लस पॉइंट बताता हूं जो मेरे परिवार में अभी तक जुड़े हुए थे, कि अभी तक क्या होता था कि जितने भी सीजीएल की तैयारी करने वाले बच्चे होते थे, वो सीजीएल की तैयारी करने वाले बच्चे जीटी जीएस को नहीं पढ़ा करते थे, छोड़ देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जीटी जीएस आने लगा है ना, उसमें थोड़ा साइंस भी आएगी, रीजनिंग भी है। तो मेरे भाई मैं आपको सीधा सा बताऊं, आप लोगों का ये सारा का सारा पोर्शन तैयार है, इनमें से थोड़ा सा जो ध्यान देना है वो आपको इंग्लिश को देना है, बस इंग्लिश को। अगर आपने इंग्लिश पे ध्यान दिया और इस 200 नंबर में से अगर आप 110 प्लस 10 आसपास नंबर ले आए जनरल के लिए, तो आप प्री के लिए 101% क्वालिफाई हो जाओगे। अब ये 110 होता है कितना है यार, आप खुद सोचो यार, 50-60% ही तो नंबर है ये, है ना। तो आप लोग बस इतने ही नंबर पे फोकस करिए, बड़े आराम से आपका प्री क्वालिफाई हो गया। लेकिन दिक्कत जो पड़ेगी वो आपकी इंग्लिश की पड़ेगी। अब इंग्लिश के लिए हम लोग टेस्ट लेके आने वाले, ये हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। उसके अलावा और मैं बात कर लूँ, अगर आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है फिर आपका मेंस होगा। मेंस में दो तरह के सेशन होंगे, एक सेशन वन, एक्चुअली में जो सेशन वन है ये हमारा कह सकते हो थ्योरी वाला होगा, और सेशन टू टाइपिंग। तो टाइपिंग हर एक पोस्ट में नहीं है, कुछ पोस्ट में टाइपिंग है, लेकिन आपको टाइपिंग करवाई जरूर जाएगी, है ना, उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे आपको, कुछ पोस्ट में जुड़ेंगे, वो आपका डिपेंड हो पता चल जाएगा कौन कौन सी पोस्ट में टाइपिंग है। फिलहाल सेशन वन में क्या है, आपको तीन सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन वन, सेक्शन टू, सेक्शन थ्री। ये तीनों के तीनों जो सेक्शन है वो 60-60 मिनट के, मतलब यहां भी आपको 60 मिनट मिलेगा। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, यहां पर भी आपको 60 मिनट मिलेगा, यहां पर भी आपको 60 मिनट मिलेगा, और उसके अलावा कह सकते हो यहां पर भी आपको, यहां अच्छा कंप्यूटर वाला सेक्शन है, कंप्यूटर वाले सेक्शन में 60 नहीं है, यहां पर सिर्फ आपको 15 मिनट मिलेगा। ओके, तो ये जो एक घंटे का पेपर मैंने बताया 60 मिनट का, इसमें आपको मैथ के 30 क्वेश्चन, मैथ के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन देखो बच्चे, यहां पर तीन नंबर का हो रहा है, यहां पर एक क्वेश्चन तीन नंबर का हो रहा, तो 60 + 180 नंबर ये बने। सेक्शन टू जो हो रहा उसी दिन हो रहा, ये सब उसी दिन हो रहा, 45 और 25 70 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन तीन नंबर का है तो 70 + 210 नंबर ये बने। तो 210 नंबर और 180 जोड़ दीजिए तो फाइनली जो टोटल जा रहा वो 390 नंबर के आसपास जा रहा। अब मेरे भाई ये जो 390 नंबर है ना, यही आपका नाम मेरे लिस्ट में डिसाइड करेंगे कि हाँ आपका सिलेक्शन है कि नहीं, है ना। बाकी ये जो कंप्यूटर है ना, ये टेबल और 12 क्वालिफाइंग नेचर का है, और क्वालिफाइंग भी उसी तरह का है, जनरल के लिए आपका 30%, उसके अलावा कह सकते हो ओबीसी के लिए 25, और एससी एसटी के लिए आपका कह सकते हो 20%। ओके, तो 15 मिनट में आपको ये 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के सॉल्व करने रहे। अच्छा, इसमें माइनस मार्किंग क्या है, प्री में माइनस मार्किंग थी 1/4, लेकिन ये जो आपका मेंस का पेपर हो रहा है इसमें माइनस मार्किंग हो रही है आपकी 1/3। अगर तीन नंबर एक क्वेश्चन का है तो इसका 1/3 कर दो, एक नंबर आपको गलत पे मिलेगा, है ना। सही किया तो तीन नंबर, गलत किया तो एक नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो टोटल हमारा देखा जाए तो 390 नंबर का मेंस हुआ, यही मोटा है। अभी बहुत सारे टाइपिंग वाले पोस्ट है उस पर अभी हम लोग नहीं जाते। 390 नंबर में से अगर आप 390 नंबर में से 300 प्लस नंबर भी स्टोर करते हो तो इनमें से 20,000 पोस्टों में से बच्चा एक पोस्ट आपकी है, है ना। लेकिन ये तो हमारी एक बात की बातें रही, मैं आपको बताऊं, ये तो एक बात की बात रही, तो इस पर हमें बात करना वो बात की बात है। पहले जो हमें यार मेन, अब देखो सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है यार, मैथ, इंग्लिश, जीटी जीएस, रीजनिंग, ये तो वही प्री का ही तो सिलेबस है यार, बस थोड़ा स्टैंडर्ड वो बढ़ा दिया जाएगा, उसके अलावा और कुछ थोड़ी ना है। तो अगर मैं आपने आपसे कहूँ कि आपको जो पूरा फोकस करना चाहिए अभी, वो सिर्फ और सिर्फ प्री के एग्जाम में करना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं। अब आपको करना क्या है कि याला फॉर्म डालने के बाद आपको जीटी जीएस, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, इसको अच्छे से पढ़ना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ना, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आप गौर से देखिए तो मेंस में इंग्लिश 45 नंबर की आ रही है, और 45 नंबर का मतलब यह है कि आप पूरा देखिए 135 नंबर, 45 क्वेश्चन 135 नंबर,
तो 45 क्वेश्चन 135 नंबर जो है ना, ये आपका सिलेक्शन डिसाइड करने में एक अहम भूमिका निभाएगा, ठीक है। बाकी जीके 25, 30 रीजनिंग, 30 मैथ, ये तो कॉमन है और ये बड़े आराम से कर सकते हैं, इतना वो नहीं है ना। तो मैं आपको बताऊं, पहले आप अपना प्री टू निकालने में थोड़ा सा मेहनत ज्यादा कीजिए। आपको इंग्लिश मैथ इस पे ध्यान देना ही देना है, जीटी जीएस रीजनिंग। आप ये समझिए कि अगर आप लोग रेलवे पाठशाला के स्टूडेंट है तो इस अभी तक टीआली चैनल में इंग्लिश जैसा कोई सब्जेक्ट चला नहीं है ना। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे जैसे हम लोग, एक दो दिन लगेगा, एक दो दिन में आपको सामने इंग्लिश के ऐसे मास्टर भी आएंगे जो आपको इंग्लिश में पूरे 50 में से कम 40 प्लस नंबर दिलवा के मानेंगे, है ना। बाकी मैथ अनुराग सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और भी हमारी फैकल्टी आएंगी। रीजनिंग और जीटी आप लोग जैसा पढ़ते हो बस उसी स्टैंडर्ड ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग यारे वीडियो के बाद इसमें नीचे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन बच्चे इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, मतलब आपका तो ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपकी जो एज है वो 18 से 27 या फिर 18 से 30 के बीच या फिर 18 से 32 के बीच है, और नहीं है तो ओबीसी है तो रिलैक्सेशन भी मिलेगा, एससी एसटी है तो भी रिलैक्सेशन मिलेगा। तो फॉर्म जरूर डाल दीजिए क्योंकि अगले 3 महीना है। और ये बात इसकी एक और खास बात है, वैकेंसी लेट नहीं होगी, 3 महीने बाद पेपर होना ही है, तो अगले 3 महीने आप लोग एकदम जम के पढ़ाई कीजिए। और ये पढ़ाई करने के बाद हम लोग जब प्री टू एक बार देख लेंगे कि हाँ प्री हो चुका होगा, आपका फाइनल कह सकते हो प्री में सिलेक्शन हो गया होगा, उसके बाद फिर हम लोग मेंस की भी तैयारी करेंगे, ठीक है। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन से बच्चे इसकी तैयारी करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे मैंने आपकी हर परीक्षाओं में एक जम के कह सकते हो दिल लड़ाटे जी जान से आपके साथ मेहनत की है, उसी तरीके से मैं और मेरी टीम इस वैकेंसी को लेटर आप लोगों के साथ पूरी तरह से मेहनत करेगी, मतलब तब तक दम नहीं ले रही जब तक आप स्टाफ प्री और मेंस को क्वालिफाई न कर जाए। धन्यवाद।